नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपकी पाखी अनामिका। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? ये है आज सुबह की मॉर्निंग का खूबसूरत नज़ारा। प्रातः अभिनंदन आप सभी को। जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। तो अपने समय को अपने दिन की शुरुआत से अच्छा बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी सुबह की कुछ अनूठे ढंग से। ढंग ऐसा जो आपका हो, जो किसी दूसरे का ना हो, जो प्रकृति के करीब आपको लेके जाता हो, जो आपसे आपको मुखातिब कराता हो। तो ऐसा ही कुछ ढंग है मेरा, आइए देखते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, शुभ प्रभात। और अभी बजे हैं 5:45, मतलब कि 5:45, और दिन की शुरुआत हो रही है। और अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों की आहट के साथ जो सूर्योदय होता है, सनराइज़, वो बहुत जल्दी होने लगता है। और ये समय पीछे खिंचता खिंचता जाता जाता जून तक सुबह 4 बजे होने लगता है। तो वो जो फीलिंग होती है वो बहुत खुशनुमा होती है। और जो जल्दी उठने वाले होते हैं सुबह, उनके लिए तो ये वरदान है। और पीछे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर, अगर मेरा कैमरा कैप्चर कर पा रहा है, बहुत सुंदर नज़ारा है। बहुत सुकून है, बहुत शांति है। और क्या बोलूँ मैं आपको, आप बस इसको एंजॉय करिए। और मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ विद ल्यूकवॉर्म वाटर, गुनगुने पानी के साथ, ताकि दिन की शुरुआत तरोताज़ा रहे। उसके बाद करेंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज और फिर लग जाएंगे अपने दिन के कारोबार में। तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अभी मैं कर रही हूँ अपने लिए पानी गर्म, ताकि शुरुआत हो जाए दिन की अच्छे से। तो ये देखिए, गर्मा गर्म पानी हो गया है रेडी, और उसको पीने के बाद तरोताज़ा होकर कुछ सूर्य नमस्कार कर लिया जाए, कुछ योगा कर लिया जाए, मेडिटेशन कर लिया जाए। सारा सब कुछ एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको दिखाने का सोचा मैंने कि थोड़ा कुछ क्लिप आपको दिखा दी जाए। और अब बस ये चाय पीकर मैं निकल जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए, जो 10 दिन में हर एक बार मैं जाती हूँ। तो ये मैं निकल गई हूँ शॉपिंग के लिए, और ये मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलकर मास्क वगैरह लगा लेते हैं। और अब इसके बाद आपको दिखाऊंगी कुछ बेहतरीन नज़ारे, जो अभी देखिए कितने सुंदर घास के फूल हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मन को मोह लेते हैं हर एक बार। आप अपनी नज़र इनसे हटा नहीं सकते हैं। कुछ लोग जॉगिंग भी कर रहे हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं। अब ये देखिए कुछ कारें जाती हुई, और मैं आगे जा रही हूँ, थोड़ा सा तेज तेज ब्रिस्क वॉक कर रही हूँ कि मेरी भी मॉर्निंग वॉक हो जाए। आज का दिन काफ़ी सुहाना है, और ये हरियाली आपका मन मोह लेगी। नैना बेराम हरियाली है ये, और ये यहाँ के खूबसूरत घर, बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ मैं रहती हूँ, ब्रॉमले, और बहुत शांत है। लंदन सिटी से थोड़ा सा दूर है, 15 से 18 मील डिस्टेंस है। ये देखिए, ये यहाँ की बस है, और ये अभी खाली है, यहाँ पे कोई भी जा नहीं रहा है। ग्रीन सिग्नल हुआ, बस निकलेगी। मैं आ गई हूँ आइसलैंड में, और यहाँ पर सभी, मैंने सारा सामान पिक कर लिया है। उस समय वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, बट मैं आपको एक क्लिप दिखा रही हूँ कि सामान अभी है, सब कुछ है, और सभी लोग 3-3 फिट की डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हुए हैं, और मैं भी वैसे ही खड़ी हूँ। अभी मैं आइसलैंड में हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हुए हैं सब लोग। तो मैंने अभी कुछ दूध वगैरह ले लिया है, मैं दिखा। तो ये मैंने 4 डब्बे दूध के ले लिए हैं, 2
दही के ले लिए हैं। सो लाइक दैट आई एम जस्ट फॉलोइंग 3 feet सॉरी डिस्टेंस ही है। और इस तरह से हमारा, और ये देखिए घास का फूल जो सैमसंग में हमें स्क्रीन सेवर में मिलता है ना, वो फूल जो थोड़ा सा हिलाने के बाद जिसके रुए रुए उड़ जाते हैं, बहुत सुंदर था ये। मैं मतलब मैं उस जगह से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जाना तो पड़ता है। सामान मेरे दोनों हाथों में था, दोनों बैग फुल थे, और ये प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा। घर आने के बाद नहा धो के पूजा कर ली जाए, भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेडिटेशन, चाय, भाग दौड़, वैसे ही ये काम भी बहुत ज़रूरी है। शांति मिलती है मन को। और बस फिर अब मैं बना रही हूँ आटे का हलवा, जिसमें थोड़ा सा बटर ले लिया मैंने, अभी घी नहीं बनाया। और दो, देखिए अब दो बड़े चमचे मैंने इसमें ले लिया है आटा। उसको अच्छे से भूनना है, और जब उसकी सुगंध पूरे घर में फैलने लगे तो बस समझ लीजिए आटा पक गया है। फिर आप उसमें धीरे धीरे मिला लीजिए पानी और शुगर, और उसको लगातार चलाते रहिए। बस इसका सिद्धांत ये है कि जितना आटा उतना पानी उतनी शक्कर, एवरीथिंग इज़ इक्वल। और उसको बस चलाते रहिए तो उसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। और ये बन के हो गया है रेडी, और इसको गार्निश कर दिया मैंने नारियल के बूरे से। साथ में मैंने शिकंजी सर्व की है मेरे हस्बैंड को, और मुझे परी को सिर्फ दूध दिया है। ये शिकंजी है, शिकंजी मतलब जो नींबू और शक्कर का मिक्सचर होता है वो। और अब जो मैं सामान लाई थी अब उसको मैं धो रही हूँ, पानी से नहीं, पूरे सर्फ से अच्छी तरह से धो के इनको सैनिटाइज कर दूँगी, ताकि कोई भी दिमाग में ये चीज़ ना रहे कि इसमें वायरस तो नहीं है। तो पहले मैंने खुद भी नहा लिया है, और अब मैं जो सर्फ होता है उससे इन सबको धो के रख दूँगी। जो वेजिटेबल भी थी, इवन जो चॉकलेट्स और परी की कुछ जो सिरप होती है बच्चों को मल्टीविटामिन्स, वो भी मैंने सब धो के रख दिया है। और इसके बाद ये देखिए सारे धुल के ट्रेलर में मैंने रख दिए हैं, पानी उनसे निकल जाएगा, फिर उनको फ्रिज में प्लेस कर देंगे, और जहाँ जिसका रखने का है स्थान वहाँ रख दिया जाएगा। तो ये देखिए सब तरीके से रख गया है, धुल गया है। आप भी इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि बकेट में धोना यहाँ पॉसिबल थोड़ा नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं इस तरह से धो लेती हूँ। और अब ये जो वेजिटेबल्स हैं वो रखने के बाद, अब मैंने वेजिटेबल निकाल लिए हैं, या पॉलीथिन में पैक्ड होते हैं तो उनको निकाल के पहले सर्फ में धोया, फिर उनको साफ़ किया 2 से 3 बार अच्छे पानी से, और अब इनको ट्रेनर में रख दिया ताकि ये थोड़ा पानी निकल जाए, सूख जाए, फिर उनको फ्रिज में रख देंगे। क्या खा रही हो परी? स्ट्रॉबेरी का पॉइंट, नथिंग बट दिस पॉइंट। हेलो दोस्तों, और ये सीटी आ गई है। तो मैंने अभी बनाया है वेज पुलाव, तो मैंने अभी बनाया है वेज पुलाव। और आज का दिन बहुत, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रही और बहुत जल्दी रही। अमूमन मैं लेट हो जाती हूँ क्योंकि रात में लेट सोती हूँ, और परी क्योंकि रात में 12 बजे तक खेलती रहती है, क्योंकि दिन बड़े होने लगे हैं, 9 बजे तक अंधेरा होता है तो वो फीलिंग नहीं आती है बच्चों को, तो वो खेलते रहते हैं। और हम लोग उसको अभी ज़्यादा रोक भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम उसको कहीं बाहर लेके भी नहीं जा रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों के बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, और जिसके यहाँ एक से ज़्यादा बच्चे हैं उसको तो हैट्स ऑफ, क्योंकि वो कैसे बच्चों को मैनेज कर रहा है। और साथ ही साथ यदि वो बच्चे थोड़े से बड़े हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनकी पढ़ाइयों को, स्टडीज़, उनके टाइम जो भी हैं, उनके कुछ एग्ज़ाम्स भी होते हैं ऑनलाइन, तो उनको क्लासेस को कैसे मेंटेन करना है, इट्स अ वेरी बिग टास्क। सो मेरी बेटी तो अभी प्री स्कूल जाती है, तो मुझे अपने हिसाब से उसको पकड़ के थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है, बाकी वो क्या है कि लर्न बाय फन ऐसा है, तो वो सीख रही है। और अभी तो उसको टाइम है रिसेप्शन में, क्योंकि वो नवंबर बॉर्न है, तो 2021 सितंबर में वो जाएगी, तो एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी वो इतनी मैच्योर है कि रिसेप्शन में पूरे 8 घंटे तक, अब बच्चों का कुछ कह नहीं सकते हैं,
ऐसा हर माँ को लगता है कि अभी बच्चा छोटा है, लेकिन लेट्स सी, लेट्स होप कि सब कुछ बहुत जल्दी अच्छे से हो। बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि यूके में टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, वैक्सीन जो उन्होंने अभी ईजाद किया है उसकी ह्यूमन टेस्टिंग उन्होंने शुरू की है कल से ही, ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो फिंगर क्रॉस्ड सब अच्छे से हो जाए ताकि ये प्रॉब्लम जो पूरे वर्ल्ड को रुला रही है, परेशान करके रखा है, लोग घरों में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो वो होना, उससे लोगों को राहत मिले। क्योंकि अभी यहाँ जो समर्स में मौसम होता है ना, वो बहुत खुशनुमा होता है, बाहर घूमने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और बच्चों के लिए और हम सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन डी का फुल स्रोत है ये धूप। तो बस इन्हीं बातों को कितनी बार दोहराऊं, क्योंकि मैं दिन में एक दो बार जितने भी बार घर में बात करती हूँ मैं इस बात को करती हूँ, ये समर्स बहुत अच्छे होते हैं। लास्ट टाइम हम लोग तब आए थे, मई एंड में हम लोग आए थे और कुछ समय तक सर्विस अपार्टमेंट में रहे, कुछ समय क्या 42 days वी वर इन सर्विस अपार्टमेंट, क्योंकि हम घर फाइंड आउट कर रहे थे तो हमारे मुताबिक नहीं था और कभी कभी हम ओनर के मुताबिक नहीं थे, बिकॉज वी आर हैविंग वन किड। और अगर आपका बच्चा मतलब छोटा है तो लोग ये सोचते हैं कि घर खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा कुछ, तो बहुत सारे लोगों ने इसलिए मना कर दिया। तो बट देर आए दुरुस्त आए वाली जो कहावत है ना, तो अच्छा घर मिल गया, ये घर बहुत अच्छा है और इसमें हवा जो बोलते हैं धूप बहुत अच्छी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो घर है इसके सामने चलती हुई रोड है, जो अपने आप को अगर आपको कभी बैठ के देखना हो तो आप देखते रहो, तो लोग आते हैं जाते हैं, रुकते हैं सिग्नल पे फिर चले जाते हैं, तो ऐसे ही हमारी लाइफ भी है। ये एक रेड सिग्नल है कोरोना वायरस हमारी लाइफ में, और ये भी कुछ समय के लिए आया है, पर सिग्नल ग्रीन होने में बस कुछ दिन ही बाकी है। हम भी फिर हमारी जो गाड़ी है गृहस्थी की, हमारी गाड़ी है जो जीवन की, वो फिर से आगे बढ़ जाएगी। तो अभी बस हम करेंगे लंच, समय आई थिंक 12:30 होने वाला होगा। तो अभी परी अपने बात कर रही है ताई जी, ताऊ जी और अनुष्का से, और मैंने कहा मैं यहाँ पे 2 मिनट बात कर सकती हूँ, और 2 मिनट की जगह ये तो काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। तो चलिए अभी इस समय मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट सीक्वेंस में कंटिन्यूएशन में शाम को देखूँगी अगर हो पाएगा तो, अदरवाइज़ बुरा मत मानिएगा कि आप इतना छोटा वीडियो बना रहे हो। सो टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पाटिया नामी का, ये है पापा और बस ये है परी, और ये है परी का मिक्की, और अब परी खाना खा लो, ठीक है? ओके परी, आप सबसे मिलेगी खाना खाने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक नहीं, नहीं बाय बाय पम्मा, आप आगे में नहीं बोला करो। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको शाम का नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगी, भले ही आपसे गुफ्तगू ना कर पाऊँ, बट प्रकृति से मिलना तो बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत दूर आपको लाइट सा एक वाइट कलर दिख रहा होगा, ये शुक्र तारा है जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में दिखाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रकृति के करीब रहना, नहीं रह पा रहे हैं तो घर में से ही पहुँच जाते हैं उनसे मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए। और ये दीप जलाए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की।